वेलकम एवरीवन, मैं हूँ प्रतीक्षा। गाइस, जब बात आती है परियों और फेरी टेल की तो उसमें कई सारी बहुत प्यारी प्यारी फेरी टेल्स का नाम आता है। उन्हीं फेरी टेल्स में से आज हम एक फेरी टेल की बात करने वाले हैं, जिसके लंबे बालों की चर्चा आज तक भी चलती हुई आ रही है। इतने लंबे बाल आज तक किसी लड़की के नहीं हुए, उस फेरी के बालों में मैजिक था। तो चलिए फिर बिना प्रतीक्षा कराए आज हम सभी लोग इस फेरी टेल की पूरी कहानी जानते हैं। मूवी की स्टार्टिंग एक नरेटर से होती है जो कि खुद को एक क्रिमिनल बताता है, जिसका नाम फ्लिन राइडर था। काफी सालों पहले अर्थ पे एक मैजिक हुआ था, जहां सूरज की रोशनी की एक बूंद गिरी थी, उससे एक प्लांट बना और उस प्लांट से एक फ्लावर बना, जो कि किसी की भी बीमारी दूर कर सकती है और किसी को भी बूढ़ा नहीं होने दे सकती। वो मैजिकल फ्लावर पूरी दुनिया से छुप के एक जगह पे था, जिसे मदर गौथल नाम की लेडी ने हमेशा से अपने पास रखा था। वो जवान रहने के लिए उस फ्लावर का यूज किया करती थी। इसी के साथ किंगडम के अंदर किंग और क्वीन को सभी लोग प्यार करते थे, लेकिन क्वीन की तबीयत तब बहुत ज्यादा खराब हो गई थी जब वो एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। बच्चे और माँ को बचाने के लिए उस मैजिकल फ्लावर की जरूरत थी। किंगडम का हर एक गार्ड और सोल्जर उस फ्लावर को ढूंढने के लिए निकलते हैं। जिस रात मदर गौथल उस फ्लावर से अपने आप को जवान करना चाहती थी, उसी रात उसकी गलती से वो फ्लावर सोल्जर्स को मिल जाता है। उस फ्लावर के कारण बने हुए टॉनिक से क्वीन फिर से जिंदा हो जाती है और इतनी ठीक होती है कि वो अपनी बेटी को अच्छी तरीके से जन्म भी दे पाती है। इनकी एक बहुत ही प्यारी बेटी होती है, जिसका नाम रुपेंजल रखा जाता है, क्योंकि उसके बाल बचपन से ही गोल्डन थे। मदर गौथल को अपनी वो पावर वापस चाहिए थी, इसी कारण वो रुपेंजल के बालों को काटने आई थी। लेकिन बाल काटते ही मदर गौथल को पता चलता है कि उस बाल से कोई भी मैजिक नहीं आ पाएगा। इसी कारण गौथल रुपेंजल को अपने साथ किडनैप करके चली गई और गौथल रुपेंजल को अपनी बेटी के जैसे बड़े करने लगी। किंगडम के अंदर आज तक भी रुपेंजल को ढूंढा जाता है, जिसके बाद रुपेंजल किसी को नहीं मिली, क्योंकि गौथल ने रुपेंजल को बहुत दूर जंगलों के बीच एक टावर में रखा था। अब रुपेंजल 18 साल की हो चुकी थी। वो अब तक इस टावर के अंदर अकेली रही, जिसने कभी किसी दुनिया को नहीं देखा, ना कभी कोई पढ़ाई करी, ना वो आज तक गार्डन को टच कर पाई। रुपेंजल का एक पेट था जिसका नाम पास्कल था। वो रोज उठती, सफाई करती, खाना बनाती, पेंटिंग करती और वापस से वही सारी चीजें दोहराती। इसी के साथ हम किंगडम के अंदर एक चोर को देखते हैं, जिसका नाम फ्लिन राइडर था और वो कैसल से एक क्राउन को चुरा के भागा था। रुपेंजल पिछले 17 ईयर से देख रही थी कि किंगडम पे जिस दिन रुपेंजल का बर्थडे होता है, उसी दिन लैंटर्न्स को उड़ाया जाता है। रुपेंजल का एक ही सपना था कि वो उन्हें अपनी आंखों से देखे। इसी कारण वो गौथल का वेट करती है और काफी करेज के बाद उनसे बात करने की कोशिश करती है कि उसे बाहर लेकर जाया जाए। लेकिन गौथल तब रुपेंजल को समझाती है कि ये दुनिया बहुत बुरी है, बाहर सारे मॉन्स्टर भरे हैं, इतने बुरे लोग जो तुम्हें बाहर जाते ही मार डालेंगे, तुम्हारे बालों को काट देंगे और उनके साथ न जाने क्या क्या करेंगे। सब लोगों को तुम्हारे बाल चाहिए, तो अच्छा यही होगा कि इस दुनिया से तुम छुपी हुई इसी जगह रहो और मैं हमेशा तुम्हारा ध्यान रखूं। रुपेंजल बेचारी कुछ नहीं बोल पाती। फ्लिन यहाँ पे चोरी करके भाग रहा था। फ्लिन के पीछे किंगडम के सारे सोल्जर लगे हुए थे, लेकिन फ्लिन खुद की जान बचाने के लिए खुद के दोस्तों को भी धोखा दे देता है। फ्लिन के पीछे एक बहुत खास मेंबर लगा हुआ था, जो कि रॉयल हॉर्स था, जिसका नाम मैक्स था। फ्लिन अपनी जान बचाने के लिए और हॉर्स से बचता हुआ उस टावर के सामने तक पहुंच जाता है, लेकिन टावर में जैसे ही फ्लिन चढ़ता है, तभी वहां पे रुपेंजल अपनी जान बचाने के लिए फ्लिन को फ्राइंग पैन से मारती है और फ्लिन वहीं पे बेहोश हो जाता है। रुपेंजल ने पहली बार किसी लड़के को देखा, लेकिन डर के मारे वो उसे इतना जोर से मारती है कि फ्लिन बेहोश ही हो जाता है। वो फ्लिन को अपनी अलमारी में बंद कर देती है और कहती है कि मैं मेरी माँ के आने पे उन्हें बताऊंगी कि मैं दुनिया वालों से लड़ सकती हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ। इसी के साथ रुपेंजल को फ्लिन का वो बैग मिलता है जिसमें क्राउन भी था, जो कि रुपेंजल के सर पे एकदम फिट आ रहा था। जब यहाँ पे गौथल आती है तो रुपेंजल बात करने लगती है कि वो इस दुनिया के लोगों से बच सकती है, उसे बस एक बार बाहर जाने दिया जाए। लेकिन गौथल हद से ज्यादा गुस्से में आ जाती है और रुपेंजल को कहती है कि तुम्हें जब एक बार मना कर दिया कि तुम बाहर नहीं जाओगी, इसका मतलब नहीं जाओगी। तब यहाँ पे रुपेंजल बात को घुमा देती है और कहती है कि फिर मुझे कलर्स चाहिए, वो कलर जो कि आपने पिछली बार मुझे लाके दिया था। तब गौथल कहती है कि उस कलर को लाने में टोटल 3 दिन लगे थे और यहाँ से बहुत दूर जाना पड़ता है। तब रुपेंजल कहती है कि मैं मेरे बर्थडे गिफ्ट के अलावा और क्या मांग सकती हूँ। गौथल रुपेंजल की ये बात मानती हुई वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद रुपेंजल फ्लिन को अपने बालों से बांध के चेयर पे बिठा देती है और उसे वापस होश में लाके कहती है कि तुम आखिर यहाँ पे कर क्या रहे हो और तुम कौन हो और तुम्हें मेरे बालों से क्या चाहिए। फ्लिन अपना नाम बताता है और कहता है कि मैं किसी मुसीबत में फंसा था, इसलिए यहाँ पहुँच गया और मुझे तुम्हारे बालों से क्या मतलब है। हालांकि ये बहुत बड़े हैं, लेकिन मुझे उनसे कुछ लेना देना नहीं है। रुपेंजल को लगा था कि शायद एक यही होप है जिससे कि वो अपना ड्रीम पूरा कर सके। वो फ्लिन से बाहर जाने के बारे में डील करती है और कहती है, मैं तुम्हें तभी छोड़ूंगी जब तुम मुझे लैंटर्न्स दिखाने लेके जाओगे। ये बात सुनते ही फ्लिन को समझ में आ गया था कि ये लड़की पागल है और कुछ भी कर सकती है, इसी कारण वो डील मान जाता है और अपने साथ में रुपेंजल को ले चल
चलता है। रुपेंजल पहली बार उस टावर से बाहर निकली थी, उसे खुशी तो बहुत हो रही थी लेकिन साथ ही साथ गिल्ट भी हो रहा था कि कहीं वो अपनी माँ को धोखा तो नहीं दे रही है। तफलिन उसे समझाता है कि अब तुम बाहर आ ही गई हो तो इस दुनिया को देखो, ये दुनिया कितनी सुंदर है। जब रॉयल हॉर्स मैक्स टावर के आसपास फ्लिन को ढूंढ रहा था तो यही चीज गौथल देख लेती और कहती कि रॉयल हॉर्स यहाँ पे क्या कर रहा है। इसी कारण वो सबसे पहले रुपेंजल को देखने के लिए जाती है, लेकिन जब वो टावर में आवाज लगाती है तो उसे पता चलता है कि रुपेंजल तो यहाँ पर है ही नहीं और पीछे से उसे क्राउन मिलता है, साथ ही फ्लिन का पोस्टर भी। फ्लिन रुपेंजल को डराने के लिए एक ऐसे रेस्टोरेंट में लेकर जाता है जहाँ पर सारे के सारे क्रिमिनल्स भरे थे, ताकि रुपेंजल डर के वापस से अपने टावर में चली जाए और इसके बदले फ्लिन को अपना क्राउन मिल जाए। लेकिन इतने सारे क्रिमिनल्स को देखने के बावजूद भी रुपेंजल नहीं डरती, बल्कि यहाँ वो अपने ड्रीम के बारे में बताती है कि कैसे उसकी लाइफ का सिर्फ एक ड्रीम रहा है कि उसे लैंटर्न्स देखने हैं। हर किसी का कोई ना कोई ड्रीम रहा होगा। तब सारे क्रिमिनल इमोशनल हो जाते हैं और अपने अपने ड्रीम के बारे में बताने लगते हैं, और उसके बाद रुपेंजल की मदद करने के लिए भी तैयार थे। जब यहाँ पे रॉयल गार्ड्स पहुँचते हैं तो ये सारे लोग रुपेंजल और फ्लिन की मदद करते हैं और उन्हें यहाँ से भगा देते हैं। लेकिन मैक्स स्मेल करते हुए पता लगा लेता है कि वो दोनों किस रास्ते से गए हैं। पीछे से गौथल भी पहुँच जाती है और उसे भी पता चल जाता है कि रुपेंजल कहाँ गई होगी। एक सुरंग से होते हुए ये लोग बाहर तो निकल जाते हैं, लेकिन बाहर जाते ही इन्हें रॉयल गार्ड्स मिल जाते हैं। रुपेंजल और फ्लिन दोनों ही रॉयल गार्ड से फाइट करने लगते हैं, लेकिन यहाँ पे मैक्स के आने के बाद बात बिगड़ जाती है और इस फाइट के अंदर बड़ा सा डैम भी टूट जाता है। फ्लिन और रुपेंजल नीचे की एक केव के अंदर चले जाते हैं और एक बड़ा सा पत्थर उस केव को बंद कर देता है। देखते ही देखते वहाँ पानी भी भरने लगता है। इन दोनों के पास अपना आखिरी टाइम था, इसी कारण फ्लिन बताता है कि उसका असली नाम यूजीन है और वो चोरी भी करता है। तब यहाँ पे रुपेंजल अपने बालों के बारे में बताती है कि उसके बाल मैजिकल है और गाने पे वो चमकते भी है, और वो इतने सालों से अकेले उस टावर में थी और वो आज पहली बार बाहर आई है। रुपेंजल आखिरी टाइम के अंदर गाना गाने लगती है, तभी उसके लंबे हेयर शाइन करने लगते हैं। शाइन होने के कारण इन लोगों को बाहर जाने का रास्ता मिल जाता है। इसी टाइम पे गौथल उन दो गुंडों से बात करती है जो कि यूजीन के फ्रेंड्स थे। गौथल इन दोनों को लालच देती है और कहती है कि तुम्हें क्राउन ही चाहिए था ना, लो क्राउन तो मेरे पास है, लेकिन यूजीन के पास जो है वो इस क्राउन से भी कीमती है। तुम मेरी मदद करो यूजीन को ढूंढने में, बाकी तुम्हें तुम्हारा इनाम मिल जाएगा। पिछली फाइट के अंदर यूजीन के हाथ पे चोट लग गई थी, तब यहाँ पे रुपेंजल अपने बालों की मदद से यूजीन की चोट को ठीक कर देती है, जिसके बाद यूजीन को बिलीव ही नहीं होता कि ये बाल मैजिकल भी है और किसी की चोट को ठीक भी कर सकते हैं। ये दोनों ही अपनी अपनी लाइफ के बारे में बात करने लगते हैं। लेकिन जब यूजीन लकड़ियाँ लेने के लिए दूर जाता है, तब गौथल रुपेंजल के पास पहुँच जाती है और उसे प्रवोक करने लगती है क्राउन देखे कि यूजीन को सिर्फ और सिर्फ क्राउन से मतलब है, जैसे ही उसका काम पूरा हो जाएगा तो वो तुम्हें छोड़ के चला जाएगा, तब तुम्हारे पास सिर्फ तुम्हारी माँ बचेगी। लेकिन फिर भी रुपेंजल को यूजीन के ऊपर बिलीव था कि यूजीन उसे छोड़ के कभी नहीं जाएगा। अगली सुबह यूजीन के उठने से पहले ही उसके सामने मैक्स खड़ा था और मैक्स उसे लेके अपने साथ जाने वाला था, लेकिन रुपेंजल उसे रोक लेती है और मैक्स से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज आज के दिन यूजीन को मत लेके जाओ, आज मेरा बर्थडे है और मेरा ड्रीम आज पूरा होने वाला है। न जाने मैक्स कैसे रुपेंजल की बात मान लेता है और यूजीन को वहीं रुपेंजल के साथ छोड़ देता है। आज पहली बार रुपेंजल बाहर निकल के किंगडम भी देख रही थी, जहाँ पे यूजीन चाहता था कि रुपेंजल के इतने बड़े बालों पे किसी की नजर ना पड़े, इसी कारण वो रुपेंजल के बालों की बहुत बड़ी चोटी भी बनवा देता है। रुपेंजल किंगडम के अंदर डांस करती है और बहुत इंजॉय करती है, और साथ ही साथ किंग और क्वीन की एक बहुत बड़ी पिक्चर देखती है जहाँ पे मिसिंग क्वीन उनकी गोद में थी। यूजीन रुपेंजल को अपने साथ में उस जगह लेकर आया था जहाँ से लैंटर्न्स का नजारा सबसे सुंदर दिखाई देता है। आज वही दिन था जब रुपेंजल का बर्थडे था और किंग और क्वीन रुपेंजल की याद में लैंटर्न्स को जलाया करते थे। वो मोमेंट बहुत सुंदर था, इतना ब्यूटीफुल कि रुपेंजल ने इतना एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। अब जब रुपेंजल का ये ड्रीम यूजीन ने पूरा किया था तो यूजीन के ऊपर रुपेंजल को पूरा बिलीव था। लेकिन तभी यहाँ पे यूजीन को अपने वही दोनों गुंडे दोस्त दिखाई देते हैं। यूजीन को लगा कि शायद वो क्राउन लेने आए हैं, अगर उन्हें क्राउन दे दिया जाए तो वो लोग यहाँ से बिना रुपेंजल को नुकसान पहुँचाए चले जाएंगे। लेकिन उन गुंडों ने यूजीन को बेहोश कर दिया और नाव के ऊपर बांध दिया, वो भी क्राउन डाल के। ऊपर से रुपेंजल को बताया कि यूजीन एक धोखेबाज है जिसे सिर्फ क्राउन चाहिए था, और क्राउन लेने के बाद वो चला गया। रुपेंजल को अभी तक भी बिलीव नहीं होता इस बात पे। तभी यहाँ पे गौथल पहुँचती है और उन गुंडों से रुपेंजल को बचाने का नाटक करती है और कहती है कि तुम्हारा साथ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी माँ देगी, तुम्हें यहाँ से चलना चाहिए। जब यूजीन को होश आता है तब तक वो किंगडम के सामने खड़ा था और तब उसके हाथ भी बंधे हुए थे। ये सारी चीज मैक्स ने भी देखी थी। घर आने के बाद रुपेंजल बहुत हर्ट थी और बस अपने किंगडम की मेमोरीज को याद कर रही थी, लेकिन तभी उसे एहसास होना शुरू होता है कि वहाँ की हर एक ड्रॉइंग के अंदर रुपेंजल ने पहले से ही वही सारे सिग्नेचर बनाए हैं जो कि किंगडम के थे। रुपेंजल को अपनी पुरानी मेमोरी याद आती है कि वही वो क्वीन है जो कि खो गई थी। दूसरी तरफ यूजीन जब जेल में जा रहा था तो वो अपने दोस्तों को भी देखता है जो कि पहले से ही जेल
गॉथल में है। यूजीन पूछता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, तब वो गुंडे बताते हैं कि हमें भी गॉथल ने ही यहाँ पे पकड़ के बंदी बनाया है। यूजीन को समझ में आ जाता है कि रैपंजल खतरे में है। दूसरी तरफ रैपंजल भी यहाँ गॉथल से फाइट कर रही थी कि उसे पता चल गया है कि असली क्वीन वही है और आज तक गॉथल ने उसे यहाँ पे बंदी बना के रख रखा है और उसका बस फायदा उठाया जा रहा है। उसके बालों से गॉथल खुद को जवान कर रही है और अब रैपंजल खुद के साथ ऐसा नहीं होने देगी। यहाँ यूजीन को बचाने के लिए उसके सारे क्रिमिनल दोस्त यहाँ पे पहुंच जाते हैं और रॉयल गार्ड्स को चकमा देके यूजीन को वहाँ से बाहर निकाल देते हैं। यूजीन को बाहर निकालने के लिए वहाँ मैक्स पहुंचता है। ये लोग सीधा टावर तक जाते हैं, लेकिन टावर पे जाते ही यूजीन देखता है कि गॉथल ने रैपंजल को पकड़ रखा है। गॉथल ने वहाँ पे नाइफ से यूजीन के ऊपर अटैक भी किया। रैपंजल वहाँ पे चिल्ला रही थी और रो रही थी कि कुछ भी करो लेकिन यूजीन को यहाँ से जाने दो, उसकी जान बख्श दो, मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, गाना गाऊंगी और तुम जो बोलोगी वैसा ही करूंगी, लेकिन यूजीन को यहाँ से जाने दो। गॉथल उस टाइम पे रैपंजल की बात मान जाती है। रैपंजल जैसे यूजीन के पास जाती है उसके इस घाव को ठीक करने के लिए, तो यूजीन एक कांच का टुकड़ा उठाकर रैपंजल के बाल काट देता है। जैसे ही वो इतने बड़े बाल काटते हैं तभी वहाँ पर रैपंजल का सारा मैजिक चला जाता है। सुनहरे बाल काले बालों में बदल जाते हैं और इसी के साथ मैजिक टूटने पे गॉथल भी एक बूढ़ी औरत में बदल जाती है जो कि टावर से गिर के मर गई थी। लेकिन यूजीन का घाव अब तक नहीं भरा था और अब तो रैपंजल के पास में भी मैजिकल पावर्स नहीं थी। रैपंजल रोने लगती है यूजीन के ऊपर, लेकिन रैपंजल की आंख से निकला हुआ एक आंसू भी मैजिकल था जो कि यूजीन को वापस होश मिला देता है। यूजीन को जिंदा देख के रैपंजल बहुत खुश थी और अब यूजीन अपने साथ में रैपंजल को लेके किंगडम पहुंचता है जहाँ पे कैसल के अंदर किंग और क्वीन रैपंजल का बचपन से इंतजार कर रहे थे। इन सबकी फैमिली पूरी हो चुकी थी और यूजीन को भी इस फैमिली का मेंबर मान लिया गया था। इसी के साथ कैसल में बहुत बड़ा सेलिब्रेशन आता है मिसिंग क्वीन के लौटने पे। तो गाइस आप सभी लोगों को ये मूवी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली मूवी में, तब तक के लिए टाटा।